बैक टू आवर चैनल अल्फा गर्ल्स। आज हम जा रहे हैं अल्फा में। वेलकम बैक टू अल्फा गर्ल्स। आज हम जा रहे हैं अल्फा सिटी में। वेलकम बैक टू अल्फा गर्ल्स। आज हम अल्फा सिटी पे जा रहे हैं। हमारे नाम की सिटी बनी है। तेरे नाम की सिटी बनी है। आज हमारी पूरी फैमिली जा रही है। मेरा भी जा रही है, डेजी भी जा रही है, मम्मा भी जा रही है, दीदी भी जा रही है। मम्मी के बिना गाड़ी नहीं चलाएगी, दीदी थोड़ी से चलाएगी। चलो मम्मा गाड़ी चलाएगी, दीदी कैमरा चलाएगी और मैं मजे करूंगी, चटर पटर चलाएगी। ये देखो गाइस हमारे शहर की सुंदरता कैसे चमचमका रही है। इन्होंने नया नया पेंट करा है, ब्लैक और व्हाइट ऐसे लग रहा है और है भी बहुत ग्रीनरी ना हर साइड। पूरा ग्रीनरी शहर, पूरी पैक ब्लैक, न्यू सड़क बनी हुई है। ऐसे सड़क हो तो ड्राइव करने को बहुत मजा आता है। हाँ, ये हमारी सिटी का मेन द्वार बहुत ही सुंदर बना हुआ है और साइड में ग्रीनरी और वहाँ पेंटिंग देखना कितनी अच्छी बना रखी है। यहाँ ना इन्होंने बाउंड्री के बीच वहाँ पेंटिंग इतनी प्यारी और मस्त बना रखी है ना। और ये आ गया मेन द्वार देवताओं की फोटोज और देखना वो जंग हो रही है जो छोटी छोटी किया। यहाँ के अलग ही मजा आता है ना। शांति से है, शांति वाला माहौल है। ऊपर से जैसे हाईवे निकल जाता है ना तो नीचे सिटी वाले लोग ही होते हैं ना। अबे तो फटाफट से कर लिया, कुछ नहीं होता। अभी हमको इस साइड जाना है। हम गलत आ गए। गलत नहीं है, सही है, सही है, है तो सही। पर सारे ना आगे से कट करके आते हैं ऐसे। उस वाली लाइट सही तो कट तो ये भी दे रखा है। अरे क्या है मम्मा, गुरुद्वारा? हाँ गुरुद्वारा के गुरुद्वारा साहिब है। कितना सुंदर है। अल्फा गर्ल्स पहुंच चुकी है अल्फा सिटी में। पहुंचे नहीं अभी? बिल्कुल नियर पहुंच चुकी है। ये भाई आ रहा है ऑपोजिट साइड। इधर क्या है, यहाँ जा रहा है? ये गाँव गिर रहा है कोई के? ना पेप्सी पेप्सी आ चुके हैं अल्फा सिटी में। देखो गाइस कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं यहाँ भी, है ना मम्मा? ये देखना यहाँ भी धूप में बैठो मजे करो जैसे मर्जी। मैं तो हर संडे आऊंगा यहाँ। देखना अंदर कितना प्यारा बना हुआ है ना, छोटे से पार्क से घूमने के लिए। ये देख फुट फुटपाथ से बना रखी है अंदर। फेंसिंग भी लगा रखी है कांटे वाली। उधर खिल रही है अपने आप। मम्मी ने बस रेस दबा रखी है, सीधे जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है। देखना भाई ये कितनी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ। बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं। हम ना आपको पूरी अल्फा सिटी घुमाएंगे। यहाँ फ्लावर ट्रीज और ग्रीन ग्रीन सब कितना अच्छा लग रहा है। ये घर कितना सुंदर है, बहुत अच्छे बन रहे हैं। और सड़कें पूरी खुली डुली है अभी। यहाँ बच्चे जैसे मर्जी साइकिलिंग करे। हम बैडमिंटन लाए हैं, बैडमिंटन खेलेंगे। ये सड़क जो मेन सड़क है ना थोड़ी खराब हो रखी है, थोड़ी सी भी नहीं है ये, काफी उस दिन भी मैं आई थी, काफी हो रही है। हाँ। मेले को मिलता ही नहीं।
बेचारी को डांट पड़ेगी। ये पहले गांव वालों को तो मौज हो गई, अल्फा सिटी में आ गया है ना, सारे गांव वाले आ गए पाइन प्रॉपर्टीज। बहुत ही प्यारी जगह रहने के लिए, हाँ शांत माहौल है। पहले तो ना जब हम पहले आते थे तब यहाँ कुछ नहीं बना था, अब एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा रेट है यहाँ। अब तो यहाँ कैफे भी बन गया है, सब कुछ बन गया यहाँ है ना मम्मा। देखना कितने सुंदर मकान बन रहे हैं और मस्त। ये देखो ये वाला ट्री कितना सुंदर है, येलो येलो। इधर ये देखना ये वाले कितने बड़े बड़े फूल हो रखे हैं, बूटे गर्मी नहीं ऐसे होते पता है गमले में, ये खुली जगह पे हो रहे हैं। ये देखना अभी बाबा सोहास कितना बड़ा है भाई, जिनके पास बहुत खराब हो गई सड़क। ये देखना ये मेन वाली है खराब, मेन नहीं खराब है बाकी बीच बीच वाली तो ठीक है। जाने चला दूं। ये फ्लैट बन रहे हैं देखना भी, फ्लैट है। हाँ फ्लैट लग रहा है, फ्लैट है ना। हाँ घर है, ये मैप लग रखा है अल्फा का। हाँ ये बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने कर रखा है ना, हमारा प्लॉट उस साइड नहीं। यहाँ मकान ढूंढना मुश्किल है, मुश्किल बहुत बड़ी जगह में अल्फा सिटी इन्होंने काट रखी है, और जगह जगह ना इन्होंने वो लगा रखा है। ये देखना इधर ए ए एरो दे रखा है कि कौन से पॉकेट नंबर किधर है और सेक्टर कौन सा किधर है, पॉट नंबर किधर है, सारा दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। हाँ ये स्कूल का, नर्सरी स्कूल का, डिस्पेंसरी का सब दे रखा है। ये सारी लेबर आ रही है, बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो रही है यहाँ। आपकी बनी है अल्फा सिटी, सही बात है। अभी हाई स्कूल भी है, सब है, नर्सिंग भी है। यार ये ब्लैकिश क्यों लग रहा है, इन्होंने क्या किया है इस मिरर पे, क्लियर क्यों नहीं पीछे दिख रहा है। अरे वो पॉलिश लगाई होगी। नहीं यार पॉलिश ही है ना, पॉलिश नहीं है तो क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे पीछे वाले शीशे में टेप वगैरह हो गई है ना साइड। नहीं तो फिर ये ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है सारा, पता नहीं पहले तो ऐसे दिख रहा। फ्लैट है देखो, मेरे को तो इधर से सही दिख नहीं रहा, फ्लैट ही है। कितना सुंदर है, फ्लैट नहीं है घर है किसी का। ये क्या है, ये यहाँ का क्लब, इसके अंदर ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, रूम्स बने हुए हैं, जिम भी है, जिम भी है। मम्मा मम्मी मम्मी आपको याद है मेरे को यहाँ से गाड़ी नहीं कट करनी आती थी जब ड्राइवर सिखाने आता था, यहाँ से कट ही नहीं करनी आती थी इतनी खुली सड़क पे भी। जिम भी है, कोई टेंशन नहीं है। मेंबरशिप लेनी पड़ती है, बहुत बेचारी को सुबह से डांट पड़ रही है, क्वेश्चन ऐसे पुट करती है वो अंदर नहीं जाने देते ऐसे। मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा महंगी है, और फायदा है इतनी ठंड में। यहाँ पर शेप फिटनेस सेंटर नियर जिम, दीनदयाल आवास योजना, एयर जिम बनेगी। ये देखो इधर सारे वो बुटीक है, और इधर सारे अपार्टमेंट्स है, ये फार्मेसी, डीलर बुटीक, वो देखो कैफे, दुकान ने भी है। उल्टी साइड से निकल रहा है, हाँ ग्रोसरी स्टोर भी खुल गया है यहाँ। ये देखना भी दिवाली से पहले कितने मकान, ऑफिस है कि ये ऑफिस है सारे। ये सारे ऑफिस बन रहे हैं अभी, ये प्रॉपर्टी से, ये प्रॉपर्टी डीलर है ना सारी, उनकी ऑफिस है, कितने मस्त बने हुए हैं अभी। हमारा घर कहाँ है, घर कह रही हूँ प्लॉट कहाँ है हमारा घर यहाँ किधर आ गया हमारा घर तो उधर पेट भड़के में है, पेट भड़के में इतनी शांति में कभी नहीं हो सकता हमारा घर, क्यों नहीं हो सकता, होएगा ना।
जब हम बड़े ब्लॉगर बन जाएंगे ना सौरभ योशी की तरह तो फिर ये हम बनाएंगे मकान। यहाँ वो प्रॉपर्टी डीलरों ने अपना रखी है ऑफिस पर, बहुत बढ़िया। दो सड़के जाते हमारा आ गया ना लास्ट। हाँ आ गया हमारा। उस टाइम ना हमें लगा हमें नॉलेज नहीं होती ना, तो सबसे लास्ट हमने दिया था, इन्होंने दिया था। पहले पीछे वाले सेल किए थे फिर आगे वाले, फिर आगे वाले, क्योंकि अगर पहले ये आगे वाले कर देते फिर पीछे कोई पसंद नहीं करता। तो पहले इन्होंने ये बोल के है ही नहीं, तो पहले पीछे वाले सेल किए। ये भी फ्लैट है येलो येलो, देख ले क्या है ये। यहाँ को बना के ना वही दो तीन मंजिला शर्मा, वैसे तो हाउस है नहीं, हाउस ही है वो, ऐसे तो बनाते हैं ना रेंट पे देना हो तो। अच्छा, और ये बन रहा है फ्लैट कितना बड़ा? ये फ्लैट बन रहा है मम्मी, ये सवा सवा करोड़ डेढ़ डेढ़ करोड़ क्या पता है। उधर कार भी खड़ी है, तो यहाँ यही लगा लूँ ना, ले जाओ ना। कहाँ रोकूंगी वहाँ? वो देखो जहाँ पार्क के इस साइड। अपना ये रहा इधर है, इधर वो आते हैं ना ट्रक वगैरह सामान के लिए, तो जाओ मुश्किल हो जाएगी। ये सारे इधर कंस्ट्रक्शन का हो रहा है सिस्टम। हाँ इधर पे कुछ बन रहा है, इधर फ्लैट बन रहा है, यहाँ लगा दो ये अपने प्लाट के सामने लगा दो। बाद में निकालनी बड़ी मुश्किल होएगी। ये देखो ये रहा हमारा प्लाट। अब कर दो मम्मा बंद। चलो ये इतने बंदा कांदा अपनी कर लो, ये हमारा प्लाट गाइस। मेरी पार्किंग प्लेस है हमारा, ये देखना पार्क कितनी प्यारी मस्त बना दी है इन्होंने। पार्क सामने पार्क है, चलो चलते हैं पार्क में। हेलो फ्रेंड्स, मैं ड्राइव कर रही थी तो मैंने पता नहीं आपको हेलो की कि नहीं की। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं अल्फा सिटी में, जो कि बहुत ही प्यारी सिटी है, और ये हमारे प्लॉट के सामने बहुत बड़ा पार्क है। परमात्मा करे कि हम जल्दी यहाँ मकान ला पाए। और बच्चे ये देखिए यहाँ खेल रहे हैं, और डेजी भी भाग रही है, और मम्मी को भी खुली जगह मिल गई बैठने के लिए। बहुत ही खुली डुली और मस्त जगह है ये देखना। और मेरे को लगता है कि अगर यहाँ मकान कभी बन पाए ना, तो बच्चों का और मम्मी का डेजी का खुले में काफ़ी मन लगेगा हमारा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखना डेजी को यहाँ खुली डुली जगह मिली है, और वो भाग रही है, पीछे पीछे भाग दे गिर जाते हैं। छोड़ दे उसको, छोड़ दे, ये देखना पूरे मजे कर रहे हैं, ये देखो पूरी मस्ती कर रहे हैं फुल। खेलने तो बेटा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, कहीं नहीं जाती वो। मगर ही भजना है, नहीं भजती बाहर आई कौन लंगे मुझे पे आई हूं उधर देखो। ये देखना अभी इन्हें क्या मिला है, फूल नीचे वाइट वाइट नीचे मस्त मस्त फूल। मेरा खराब हो गया, नहीं हुआ खराब, नहीं हुआ। अभी हम निकल चुके हैं अल्फा से वापिस घर पे, और
हमारी गाड़ी पता नहीं क्या घर पे जा रहे हैं। मम्मी नहीं मम्मी मम्मी बेटे हाँ, और हमारी गाड़ी बहुत टू 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 करी जा रही है, हमको समझ नहीं आ रही क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम कार है, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये देखो कितनी ग्रीनरी है ना, है ना मामा, यहाँ बहुत मजा आता है। यहाँ से निकल जाएगी ना ये वाला रोड, कौन सा था वो, यहाँ से हम कट करते थे दरबार। I don't know. और रास्ता भी भूल गया, वो तो फिर मेन सड़क हो तो बहुत ज्यादा बहुत रिक पिक निकली ना, और भी चलो को कट करके आ जाएंगे फिर। ओके फिर अरे चुप कर जा भाई, कैसे का सिग्नल है यार मेरे को समझ नहीं आ रहा। पार्किंग फेस कितना प्यारा है, खाली एक मकान के लिए एक मकान है क्या बना है।